दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सरसों की खली पे। क्या आप जानते हैं कि इतनी जब भी गर्मी हो, चाहे वो हीट वेव चले, 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, उस समय आपको सरसों की खली का प्रयोग करना है कि नहीं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर, गर्मियों में हम सरसों की खली का प्रयोग करें कि ना करें, लेकिन एक भ्रम फैल गया है कि गर्मी में हमें सरसों की खली का प्रयोग नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। और जो है, ठंड के मौसम में प्रचुर मात्रा में हम सरसों की खली देते हैं, लेकिन जैसे ही मार्च, अप्रैल, मई गर्मियाँ शुरू होती है, उस समय जो क्या है, हम सरसों की खली का प्रयोग करना बंद कर देते हैं। तो आज हम इसी पे समझेंगे क्यों बंद करते हैं, क्या सही में हमें बंद करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, आपको कैसा भी मौसम हो, अगर आप छत पे बागवानी करते हैं और या फिर खेत में भी अगर आप सब्जियां लगाते हो या गमले में लगाते हो, कंटेनर गार्डनिंग करते हो, जिस चीज़ में आप सब्जियां लगाते हो, हमें हर मौसम में सरसों की खली का प्रयोग करना है। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, सरसों खली का हमें प्रयोग करना है। तो कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, इन सब चीज़ों को आप समझ लीजिएगा तो कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा और किसी भी भ्रम में आप नहीं पड़िएगा और हमेशा आप अपने छत पे, खेत में अच्छी फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग लीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि गर्मी में हम सरसों की खली का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, सरसों की खली में आप सभी को पता है, ऑर्गेनिक में सरसों की खली हमारे पौधों के लिए एक जो है जादुई खाद है। इसमें बहुत से पोषक तत्व है, मिनरल्स है, सबसे ज़्यादा इसमें फास्फोरस पाई गई है। सरसों की खली में जो है सबसे ज़्यादा फास्फोरस है। और ये आप समझ लीजिए कि जब आपके मिट्टी में फास्फोरस की कमी होगी तो आपकी मिट्टी जो है बीज को अंकुरण तक नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, जब हमारी मिट्टी में फास्फोरस की अगर कमी हो जाती है तो हमारे बीज नहीं निकलते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते कि हमने सब्जी लगाई है, चाहे वो सब्जी वर्गीय कोई भी फसल हो, लेकिन बीज अंकुरण ही नहीं हुआ। आज एक सप्ताह हो गया लेकिन बीज अंकुरण नहीं हुआ, तो रीजन को समझिए। देखिए, बीज अंकुरित होने के लिए भी बीज को मिट्टी में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस होना चाहिए। फास्फोरस की वजह से ही बीज अंकुरित होके बाहर निकलते हैं। तो हमें अपने जब बीज लगाते हैं उस समय भी हमें अपने गार्डन में या मिट्टी में फास्फोरस की पूर्ति के लिए सरसों खली का प्रयोग करना है, ताकि हमारा बीज सही समय पे अच्छे से अंकुरित हो और हम लेट ना हो। तो पहले नंबर पे यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया कि आप हर मौसम में सरसों का खली का आपको प्रयोग करना है। अब हम दूसरे नंबर पे समझते हैं कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो देखिए, सर्दी में इसका प्रयोग आप कितना भी कर दीजिएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना आपके प्लांट जलेंगे ना कुछ जलेंगे। हाँ, लेकिन गर्मियों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना है, जैसे कि सरसों की खली, देखिए आपको लेना है जब, जैसे कि मई का महीना अभी चल रहा है, तो मई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आपके यहाँ 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, या फिर किसी के यहाँ 30 डिग्री भी टेम्परेचर है, उस स्थिति में आपको सरसों की खली का प्रयोग कैसे करना है। उस स्थिति में हमें सरसों की खली की क्वांटिटी को बैलेंस करके रखना है। सरसों की खली जो है उससे हमें लेना है, मई हो मतलब 25 से 40 डिग्री 45 डिग्री का जब टेम्परेचर हो, उस समय हमें सरसों की खली लेनी है 100 ग्राम। अगर हम 100 ग्राम सरसों की खली यहाँ पे लेंगे और हम कुछ पानी में उसे डाइल्यूट कर देंगे, ये देखिए हमारा 100 ग्राम हमने सरसों की खली को 1 लीटर पानी में इस तरह से 2 दिन के लिए घोल बना के रखा हुआ है। ये 2 दिन हो गए हैं घुलने के लिए। जैसे ही आप 2 दिन तक छोड़ेंगे, आपका सरसों का खली इस तरह से बिल्कुल घुल जाएगा, ये देखिए। तो ये खास करके गर्मियों के लिए ही है। आपको सरसों की खली को क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से पानी में 2 दिन के लिए छोड़ देना। अब हमारा ये सरसों की खली बिल्कुल तैयार हो गया है हमें अपने पौधों में डालने के लिए। तो डालेंगे कितना, ये देखिए,
एक लीटर मान लीजिए 100 ग्राम हमने सरसों खली लिया, एक लीटर पानी लिया, अब हम इसे पानी में डाइल्यूट करेंगे कम से कम 20 लीटर पानी में। आपको गर्मी के मौसम में 20 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है और ठंड के मौसम में आपको 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है। सीधे आपको दुगना का रेशियो रखना है, ठंड रहेगा तो कम पानी में भी डाइल्यूट करके आप इसे आसानी से अपने पौधों को दीजिए और गर्मी का मौसम है तो दुगने पानी में डाइल्यूट करके दीजिए। तो आपको लेना है इस प्रकार से कंटेनर, ये देखिए, ये हमने 5 लीटर के कंटेनर में 100 ग्राम जो है सरसों की जो हमने ये फुला के रखा है उसका इसमें लिक्विड डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 5 लीटर पानी। तो दोस्तों ये देखिए 5 लीटर पानी हमने इस तरह से, यानी 5 लीटर के केन में इसमें सरसों की खली जो है 100 ग्राम है लिक्विड फॉर्म में, ये नहीं कि ठोस 100 ग्राम सरसों खली है, 100 ग्राम सरसों की खली को हमने 1 लीटर पानी में फुलाया और उस पानी का 100 ग्राम हम 5 लीटर में मिक्स करके इस तरह से कंटेनर में भर लेते हैं। अब हमें देना कैसे है तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए सरसों खली का प्रयोग हम जब बीज लगाते हैं, अभी मई का भी महीना चल रहा है, आप अभी सभी प्रकार के सब्जियां का बीज लगा सकते हैं, जो भी भिंडी नेनुआ करेला कद्दू इस प्रकार की जब हम सब्जियाँ लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाने के लिए कुछ आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैं सरसों की खली का बहुत तरह से प्रयोग करती हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे क्या प्रयोग करती हूँ, मैं बीज लेती हूँ। अगर जिस कंटेनर में मुझे बीज डालना होता है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे बीज डालना है, तो मैंने यहाँ पे बीज को डाल के और उसके बाद जो है ये हमारा जो सरसों खली का पानी है, इस पानी को बिल्कुल अच्छे से इस तरह से मैं दे दूंगी और 2 से 3 दिन तक मैं कोई भी अब इसमें पानी नहीं डालूंगी। देखिएगा 2 से 3 दिन में आपके बीज इस तरह से अंकुरित हो जाएंगे। जब भी आप बीज लगाइए तो सरसों खली का प्रयोग कीजिए, जिससे आपके बीज जल्दी अंकुरित होंगे। मैं अभी फिलहाल सभी कंटेनर में जितने भी बीज लगाई हूँ आप सबको दिखा दूँ, चाहे वो बोरो का बीज हो या किसी भी चीज़ का बीज हो, देखिए कितनी जल्दी अंकुरित हुए हैं। सारे बीज को लगा के सिर्फ मैंने सरसों खली का पानी डाला है और सारे बीज इस तरह से अंकुरित हो गए हैं। तो जब आप बीज लगाएं तो खास करके सरसों खली का पानी का प्रयोग करिए, ताकि आपके बीज 3 से 4 दिन में ही जल्दी निकलेंगे। सरसों खली का अब दूसरा प्रयोग, तो दूसरा प्रयोग देखिए हमारे पौधे की ग्रोथ देखिए। और इसे हम लेंगे जो हमने पानी लिया है, हम अपने प्लांट के आसपास बिल्कुल इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए ऐसा नहीं है, मैं हमेशा गर्मी सर्दी जाड़ा बरसात हर समय मैं अपने जो है किचन गार्डन में सरसों खली का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से देखिए पूरे सरसों खली का पानी मैंने अपने मिट्टी में डाल दिया, 5 लीटर के लमसम डाला है, क्योंकि ये जो है ग्रो बैग है बड़ा है, इसलिए यहाँ पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा दिया है। जैसे कि अभी मई का महीना है तो बहुत तेज़ धूप होती है, तो दोपहर के समय इसे अवॉइड कर देने में, आप दोपहर के समय इसका प्रयोग ना करें, जैसे कि ये शाम का समय चुने, या फिर जैसे बहुत 8 बजे तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो 7 से 8 के बीच में आप इसका प्रयोग कर दीजिए लिक्विड फर्टिलाइजर का। और आप अपने देखेंगे गार्डन में काफ़ी अच्छा इससे आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में सिर्फ लोग कहते हैं कोई खाद नहीं डालिए, लेकिन मैंने सरसों की खली का प्रयोग एनी टाइम की हूँ अपने गार्डन में। इस तरह से मैं हमेशा एक मेरा अभी बन गया है, क्योंकि 20 लीटर में मैं डाइल्यूट करूँगी, तो मैंने एक वीक पहले इसमें अपने गार्डन में डाली हूँ, अभी हमारा दूसरा वीक चल रहा है तो मैंने फिर से डाइल्यूट कर लिया है और फिर से मैं पूरे गार्डन में अप्लाई करूँगी। आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, खास करके जब आप बीज लगाइए उस समय अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी बीज काफी फास्ट निकलेगी, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपने में जो है सरसों खली को लेकर के जो भ्रम है उसे दूर हो गया होगा और आप अपने गार्डन में सरसों खली का प्रयोग कर रहे होंगे। तो चलिए आने वाले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे आपसे बात करूँगी, इससे रिलेटेड अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।